अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट खालिद और एक बार फिर वेलकम है हमारे चैनल में। एक नई वीडियो, एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। इंशाल्लाह के मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि ये बिज़नेस आइडिया जो ऐसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बिज़नेस के आइडिया के बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और मुझे भी ये बहुत पसंद है। बिज़नेस का नाम है इवेंट मैनेजमेंट, मतलब जो पार्टियाँ होती हैं होटल में, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं होटल्स में और रेस्टोरेंट में। और यहाँ आपको पता है दुबई हर वक्त इवेंट ही इवेंट हैं, हर वक्त इवेंट चलते रहते हैं। कभी अबूजहबी में, दुबई में, कभी फ्रेड वर्ल्ड में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज अल अरब में, माल ऑफ इमरेट्स में, अलवादा माल में, हज़ारों माल है जहाँ हर वक्त इवेंट्स है। उसके बाद बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, लोग अपने घरों में पार्टियाँ इवेंट अरेंज करते हैं। और उसके बाद बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, जो बर्थडे पार्टियाँ ज़्यादा लोग अरेंज करते हैं, तो आप वहाँ थोड़ी थोड़ी सर्विस आप पर पेश करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये बिज़नेस आइडिया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये अपना बिज़नेस आइडिया। तो दोस्तों इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ये बताता हूँ कैसे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको यूएई में, अबूजहबी में, दुबई में या किसी भी इमरेट्स में आपको इवेंट मैनेजमेंट जो है इवेंट का एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। वो कम से कम आपको 15,000 दिरहम तक, 15,000 दिरहम तक आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बिज़नेस कार्ड मिल जाएगा, आप अपना बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद उस बिज़नेस कार्ड में आपका फ़ोन नंबर होगा, आपके ऑफिस के नंबर होंगे और ऑफिस का नंबर, ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, और आप वो मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। इसमें आपको और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यहाँ आपको पता है कि हर वक्त इवेंट्स इवेंट्स हैं। 2 दिसंबर का इवेंट्स आपको पता है, यहाँ यूएई नेशनल डे होता है, इसका जो सबसे बड़ा इवेंट है यहाँ का, यूएई का। इस वक्त तकरीबन हर महीने ये चलता रहता है। ईद के इवेंट्स होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के आपको पता है दुबई में सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, हर जगह इवेंट ही इवेंट है हैप्पी न्यू ईयर के होते हैं। उसके बाद ब्रिटिश पीपल आपको पता है यहाँ बहुत लोग रहते हैं, ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे, वो हर वक्त अपने इंजॉयमेंट में बिजी रहते हैं। मतलब उनका मतलब हर वक्त इवेंट ही होते हैं, कभी बर्थडे पार्टी है, कभी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, हर वक्त मतलब उनकी पार्टियाँ चलती रहती हैं। तो माल में होते हैं इवेंट्स, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, इन चीज़ों में हर जगह आपको पता है कि इवेंट होते हैं। और आपने करना क्या है कि आप एक लाइसेंस ले लें, और लाइसेंस लेने के बाद आपके कम से कम आपके ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस और एक गाड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं तो काम चल सकता है, आप किसी न किसी अपने आप को अरेंज करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के साथ। आप स्टार्ट करें बिज़नेस, आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ लोग आप पार्ट टाइम के लिए हायर कर सकते हैं, मतलब यूएई में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपको फिलिपीन के लोग हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो मतलब कस्टमर सर्विस में आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आप दे सकते हैं कि इवेंट के जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग फिलिपीन के होते हैं, आप नेपाल के भी रख सकते हैं, इंडिया के भी अच्छे लोग हैं, बट ज़्यादा आपको फिलिपीन के लोग अच्छे मिल जाएंगे थोड़ी, और खूबसूरत भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, और दिखने में भी बहुत सब लोग उनको पसंद करते हैं यूएई में। आप फिलिपीन के कुछ लोग, लड़कियां, कुछ लड़के आप अपने साथ हायर कर रहे हैं पार्ट टाइम में, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। 4-5 लड़के आप अपने साथ रख लें, साथ में 1-2 लड़के आप फिलिपीन से वीज़े पर बुला लें, 7-8 हज़ार का वीज़ा होता है, वो आपको अपने बिज़नेस के थ्रू मिल जाएगा। जो आपका बिज़नेस का लाइसेंस होएगा उसमें आपको वो वीज़ा मिल जाएगा, आप उनको उस वीज़े पे बुला के अपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें, और रूम इधर कितना 400-500 दिरहम का रूम मिल जाता है अबूजहबी दुबई में, खाना भी प्रोवाइड कर दें, वाशिंग कपड़े के साथ अच्छी उनको फैसिलिटी दे दें, तो आपका ये काम स्टार्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने क्या करना है, थोड़े मतलब थोड़ी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्निंग करनी है। मतलब ये कि जहाँ भी आप जाएंगे मार्केटिंग के लिए, तो आप उनको बताएं कि हम थोड़ी सर्विस लेते हैं, पर आवर्स हम आपको लोग देंगे, आप थोड़ी कास्ट करेंगे। मतलब कोई और कंपनी आपसे 1,000 दिरहम ले रही है, 500, 100, 200 एनी ले रही है, हम उसे 50% कम ले लेंगे या 70% हम कम लेंगे। मतलब अगर वो ले रहे हैं 1,000 दिरहम, तो हम आपको 600 दिरहम में, 700 दिरहम में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ये स्टार्टअप है, आपने गुडविल बनानी है, आपने नाम बनाना है अपने बिज़नेस में, ताकि आपका बिज़नेस जल्द अज जल्द आगे आए।
और आप अर्निंग करें ताकि आपके अखराजात भी पूरे हो सकें जो आपने लोग रखे हुए हैं। फिर अगर आपको स्टार्ट करना है मार्केटिंग से, मार्केटिंग में आपके पास आपको पता बिजनेस कार्ड आपको होगा, हर जगह आप होटल में जाएं वहाँ जाके बात करें होटल मैनेजर से, उसको ऑफर करें कि 100 दिरहम 200 दिरहम या कुछ क्लब कार्ड के बारे में बता दें कि हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, आप यहाँ यहाँ जो पार्टियाँ होती हैं बर्थडे पार्टियाँ होती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई भी एनिमल पार्टी होती है, आपको कुछ ना कुछ लड़के तो चाहिए होते हैं ना, हम आपको डिस्काउंट देंगे, अपनी तरफ से उसको कुछ दे दीजिए आप, ताकि ये तो आपकी क्वालिटी है कि कैसे उसको हायर कर सकते हैं, कैसे उसको आप डील कर सकते हैं, आप उसको डील कीजिए, उसको बताइए कि हमारे पास लड़के हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, आप हमको कुछ ना कुछ इवेंट पकड़ के दीजिए, हम आपको पैसे देंगे या आपको खुश करेंगे। वो आदमी अपने बिजनेस कार्ड इस तरह करके 15-20 होटल में 15-20 रेस्टोरेंट में और डिफरेंट जगह आप दे दें, वो बंदा आपको कम से कम एक ना दो एक इवेंट पकड़ के देगा। जब वो आप देगा, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करिए, जो पार्ट टाइम वाले लड़के हैं उनको साथ में ले जाइए, वहाँ पर आवर के हिसाब से आप पेमेंट ले लीजिए और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपका दूसरी बार भी उनका दिल करे बुलवाने के लिए। मार्केटिंग में आपको पता है कि मार्केटिंग सबसे बेस्ट वे है जो आपको बहुत जल्दी आपकी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, बहुत जल्दी आपका बिजनेस चल सकता है। तो बड़ी बात यह होती है कि बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, आप आगे कैसे करना, मतलब हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हमने क्लाइंट कैसे ले आने हैं। क्लाइंट्स में सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होती है आपको पता है सोशल मीडिया। इस टाइम सोशल मीडिया सबसे बेस्ट वे है जो मार्केट सेल्स में और क्लाइंट को मतलब लाने के लिए बेस्ट सर्विस है। आप एक वेबसाइट बना लीजिए या किसी से बनवा लीजिए, या मैं आपको बना के दे सकता हूँ, मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं बना सकता हूँ वेबसाइट। एक ज़बरदस्त किस्म का अपना नाम रखिए, अपने मतलब जो बिजनेस अपने इवेंट मैनेजमेंट में जो आपने लाइसेंस लिया है उसका एक नाम होना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का अच्छा एक नाम होना चाहिए। एग्जांपल के आप उसमें नाम रख सकते हैं प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम या प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट या VIP इवेंट्स गाइस, कुछ भी अच्छा सा नाम रख लें। आप वेबसाइट बनाइए, उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का लोगो डिज़ाइन करवाइए। लोगो डिज़ाइन जो होता है वो आपका फ्यूचर में आपको लिए बहुत बेटर रहता है, क्योंकि वो आपका एक अथोराइज चीज़ होती है। लोगो डिज़ाइन करवाइए, लोगों के बाद एक बिजनेस ईमेल बनवा लीजिए। ये अगर आईटी का कोई काम करवाना है मुझसे करवा लीजिए, मैं करके दे सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, बिजनेस ईमेल बना सकता हूँ और लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ, आईटी का जो भी काम है मैं कर लेता हूँ, अगर मुझसे रब्ता करें मैं बना के दे दूँगा, किसी और से करवाना है करवा लीजिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। मैंने भी काफ़ी कंपनी को डिज़ाइन करके दिया है, लोगो डिज़ाइन करके दिए हैं, बिजनेस ईमेल बना के दिए हैं, वेबसाइट बना के दिए हैं, मेरे पास लड़के भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमसे करवाना चाहते हैं हम करवा के दे सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, या कहीं से भी आप करवाना चाहते हैं ये तो आपकी मर्ज़ी है, ताकि लेकिन आपका बिजनेस जो है ना लोगो अच्छा होना चाहिए, आपका वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको मार्केटिंग करेंगी और क्लाइंट ले आएंगी। अच्छा, उसके बाद नंबर दो पे है, आप फ्रेंड्स और फैमिली में ये चीज़ शेयर करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि मेरी कंपनी है भाईजान इवेंट मैनेजमेंट की, आपके दोस्तों की बताइए कि अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई और पार्टी कर रहा है, कहीं जा रहा है, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें आपको लड़के चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और पर आवर दूँगा। चीज़ ये है कि आप पर आवर सेल करेंगे, पर आवर बताएंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पर आवर होगा, दिन का नहीं होगा, एक घंटे काम करेंगे हम इतना पैसा ले लेंगे, दो घंटे तीन घंटे जितना काम करवाना है हमने उतना पैसा लेना है। यहाँ इतने लोग नहीं है जो पर आवर काम करवाते हैं, पर आवर काम करवाएंगे सबसे ज़बरदस्त और बेस्ट चीज़ है। उनको बताइए कि हम कर सकते हैं इवेंट, मेरे पास टीम है, मेरे पास मैनेजमेंट है, मेरा सिस्टम है, मेरी कंपनी है, आप हमको हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स की अगर पार्टी है तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। ज़्यादा लोग इधर ब्रिटिश लोग हैं, फिलिपिन के लोग हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा बर्थडे पार्टियाँ करते हैं, उसमें आप अपने लोग दे सकते हैं। उसके बाद कॉलीग्स हैं आपके साथ जॉब करते हैं या जॉब वाले आगे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जॉब करते हैं, उनमें शेयर कीजिए। और उसके बाद इस तरह आपका ये हो सकता है। सोशल मीडिया नंबर 3 पे सोशल मीडिया में आप आ जाते हैं, फेसबुक पेज बनाइए, फेसबुक पेज बना के उस पर अपने कुछ इवेंट्स की जो पुरानी पिक्चर है वो लगाइए, उसके बाद उस पर प्रमोशन ले आइए। सबसे बड़ी चीज़ है आप फेसबुक पेज बनाइए, वेबसाइट पे उधर प्रमोशन लगाइए कि हम इतने टाइम में इतने हम मतलब प्रमोशन दे रहे हैं, ये हमारी ऑफर है, आप पर आवर के लिए 70% ऑफ है, 80% ऑफ है, 60% ऑफ है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम बर्थडे पार्टी आपको अरेंज करके देंगे। और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, मतलब 2 दिसंबर के इवेंट्स होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के इवेंट्स हैं, ईद के इवेंट्स हैं,
ब्रिटिश पीपल के इवेंट्स हैं, गोरों के इधर इवेंट्स होते हैं, बहुत होते हैं यार इनके, आप इधर ख़त्म ही नहीं होते, हर वक्त इवेंट चलते रहते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ऑफ़र दीजिए, प्रमोशन दीजिए कि हम आपको प्रमोशन में हम आपको मतलब देंगे 70% में, 50%, कोई भी आप बता सकते हैं कि आप अच्छी प्रमोशन दे के अपना कॉन्टैक्ट लीजिए ताकि आपका काम चले। एक बार आपका नाम बन गया आपका बिज़नेस यूँ जाएगा। और जो इवेंट्स बिज़नेस ऐसा है कि आपकी मेहनत आपको जल्द अज जल्द रंग ले आती है, क्योंकि इसमें आपने वही सैलरी देनी है और थोड़ा बहुत आपने एक्सपेंस लगा के अपना काम करना, उधर से पैसे आते रहेंगे। पाँच छः इवेंट आपको डेली पार आवर के लोग से चलते रहें, आपका काम चल गया। उसके बाद फेसबुक पेज बनाइए सोशल मीडिया में। उसके बाद सोशल मीडिया में जो एड्स लगते हैं, बड़े बड़े फेसबुक पेज हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि फेसबुक हर आदमी यूज़ करता है, तो हर किसी के पेज हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के पेज हैं, उनमें आप जाके थोड़ा पैसे दे अपना ऐड लगवाइए। और ऐड लगवाइए यूएई के अंदर बाहर से नहीं, क्योंकि आपका बिज़नेस इधर है। यूएई के अंदर ऐड लगाइए, जो इधर के बिज़नेस पेज हैं बड़े बड़े उनमें ऐड लगा के अपना ऐड चलाइए। उसके बाद उसमें फेमस वेबसाइट है उसमें ऐड चलाइए, यूट्यूब में ऐड चला सकते हैं, फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, व्हाट्सएप में आप ग्रुप बना के वहाँ हमने अपनी मशहूरी कीजिए, मार्केटिंग कीजिए ताकि आपको क्लाइंट ज़्यादा मिले। उसके बाद लोकल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसमें यहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं वगैरह उनमें आप अपना इश्तिहार दिलवा के अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन लगाने से आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्रमोशन बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग कीजिए, बिज़नेस कार्ड अपने तकसीम कीजिए लोगों में, फ्रेंड्स में, होटल्स में, जो होटल के बड़े बड़े इवेंट के मैनेजर होते हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको इवेंट लेके देंगे, अपना कार्ड दीजिए, थोड़ा उनको पैसे का लालच दीजिए, वो आप काम चल जाएगा। ये चीज़ ऐसी है कि आप जब काम चल गया तो आपका भला ही भला हो गया, आपके मज़े ही मज़े हो गए। आपका एक बार काम चल गया आप यूँ ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा एक इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस आइडिया मेरा था जो मैं शेयर करना चाहता था अपने चैनल पे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर किसी को पसंद आता है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एनी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे और कुछ इसकी डिटेल डालूँगा, आप वहाँ से दे सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बढ़ के और क्या मिल सकता है। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़, टेक केयर, मासल।